फ्रेंड्स तो हम लोग अभी मतलब कैरोल के लिए रेडी हो रहे हैं, मैं भी रेडी हो गई, ये मेरी एक दीदी है गुवाहाटी की, ये भी रेडी हो गई, तो अभी हम लोग चर्च में जाएंगे। तो मैं और आगे आगे दिखा रही हूँ क्या क्या आप देख सकते हो, मतलब क्रिसमस का प्रिपरेशन चल रहा है, तो चलते रहिए देखते रहिए। ये दीदी भी अभी हम लोग क्रिसमस का रेडी कर रहे हैं दीदी के साथ, दीदी सब्जी काट रही है, मैं सब्जी भी दिखाती हूँ, और ये सब लोग हैं। मैरी क्रिसमस भैया, दादा हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो मैं अभी सब्जी दिखाती हूँ क्या क्या काट रहे हैं लोग, इन लोग मतलब दीदी भैया सब लोग मिलके सब्जी काट रहे हैं। सब्जी में कैप्सिकम, बैगन, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर और आलू वालू, ये दीदी भी काट रहे हैं, ये भैया भी काट रहे हैं। भैया मेरी क्रिसमस। ये भैया पहले बहुत यंग थे, अभी बुढ़े हो गए भैया, का दाढ़ी भी पक गया, भैया मेरी क्रिसमस। तो वही भैया लोग प्याज काटे, सुबह से काट रहे हैं लोग, ये सब रेडी हो गया क्रिसमस के लिए। तो बहुत लोग आने वाले, ये टमाटो है और ये चावल है, तो खाना बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मैं खाने के लिए पूरा रेडी हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ, क्योंकि मैं क्रिसमस का खाना खाऊंगी, फिर मैं चली जाऊँगी बॉम्बेगाँव। तो मैं और आगे आगे दिखाती हूँ क्रिसमस का, मतलब कि कैरोल भी होगा, कुछ कुछ प्रेयर होगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी क्रिसमस का, तो देखते रहिए। ये भैया भी है यहाँ पे, ये मटन छीला हुआ है और ये अदरक लहसुन, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त खाना बन रहा है, तो ये भैया खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे भैया? दाल। दाल क्या? मेरी क्रिसमस भैया। ये भैया सुबह से 5 बजे से इन लोग खाना बना रहे हैं, मैं उठी भी नहीं थी, देख रही हूँ। तो ये भैया खाना बना रहे, और यहाँ पे इन्होंने पहले ही बहुत सारा चिकन फ्राई करके रखा, क्योंकि चिकन का भी आइटम बनेगा ना भैया। क्या बनाओगे चिकन में? क्या चिकन? कॉर्ड चिकन बनेगा। कॉर्ड? कॉर्ड चिकन? वो तो कभी मैंने खाया नहीं, आज खाऊंगी, आज खा के देखूंगी कैसा लगता है कॉर्ड चिकन। और ये बहुत सारा दाल, कितने लोग आएंगे भैया? 120 आने वाले। क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है दीदी के घर, तो मैं अभी और भी दिखाती रहती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है, देखते रहिए। ये मेरे गुवाहाटी के, गुवाहाटी मतलब बोंगाईगांव के गेस्ट आ गए, इनको मैंने इनविटेशन दिया था। ये मोंटू है और जीतू कहाँ गया, ये भी एक भाई है छोटा सा, मैथ्यू, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। और ये जीतू है, ये भी आ गए, बहुत अच्छा लगा इन लोग आ गए, मैं इनको बुला के आई थी बोंगाईगांव से। तो मैं और भी दिखाती हूँ इनको, मैं चाय पानी दे देती हूँ, नाश्ता दे देती हूँ। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। ये सब लोग मेरे स्कूल में पढ़ते, इन लोग क्रिसमस खाने आए हैं दीदी के घर में, बहुत दूर से आए हैं ना। नाम बता दो अपना। बोंगाईगांव का ना, मेरा नाम अंजलि हंसदा है। हाँ, ये कहाँ से आई हो तुम? बोंगाईगांव पतला दोहा। बोंगाईगांव पतला दोहा से। ये मतलब कि एक दीदी भी आई है, नमस्ते दीदी। नमस्ते। और ये सब बच्चे बहुत सुंदर सुंदर से, प्यारे प्यारे बच्चे से, इतनी प्यारी लग रही है। आपका नाम क्या है? तोरा मुनि राय। तोरा कहाँ से आई हो? बोंगाईगांव पतला दोहा। ये भी बोंगाईगांव पतला दोहा से, ये भी बहुत प्यारी सी। आप कहाँ से आई हो? बोंगाईगांव पतला दोहा से। और ये भी कहाँ से आई हो? बोंगाईगांव पतला दोहा से। इन लोग सब क्रिसमस खाने के लिए दूर से आए बोंगाईगांव पतला दोहा से। ये भी एक बहन है, आप कहाँ से आई हो? बोंगाईगांव पतला दोहा से। ये सब लोग बोंगाईगांव से आए। तो मैं इनको चाय वाय देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और भी दिखाती हूँ। भिंडो चाय, और हमारे गेस्ट लोग भी है चाय बना रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो दीदी है और ये बच्चों के लिए रेडी कर लिया है, यहाँ पे चाय देंगे और ब्रेड देंगे। तो हम लोग का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं कुछ कुछ। ये तब दीदी, ये कौन सा चाय? दूध चाय है क्या? दूध चाय वो डेकोरेशन वाले को देखिए, सुबह से भी वो यहाँ अच्छा ठीक है। तो इन लोग काम कर रहे हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इन लोग को काम करने दो। तो और भी गेस्ट आए, मैं दिखाती हूँ गेस्ट सबको। तो गेस्ट लोग, कुछ गेस्ट ऊपर में भी मतलब आ गए हैं, ऊपर में हम लोग का यहाँ पे मतलब कि क्रिश्चियंस
क्रिश्चियंस जो भी लोग हैं उनका प्रे होगा यहाँ पे। तो ये सब गेस्ट है और ही गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ गेस्ट ऊपर में हैं, कुछ गेस्ट घर के मतलब घर के नीचे रूम में बैठे हुए हैं चाय वाय पी रहे। तो हम सब मिलके यहाँ पे अभी मतलब क्रिसमस का प्रे करेंगे। यहाँ पे सब लोग छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ को एक्चुअली। मतलब जब भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी ओकेशन होता है तो इन्जॉय करना चाहिए, लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि वही तो बात होती है ना ज़िंदगी की, अगर आपने इन्जॉय नहीं किया तो फिर क्या किया। तो मैं भी मतलब कि सोचो ये बहुत दूर से अपनी दीदी के घर क्रिसमस के लिए आई थी इन्जॉय करने के लिए, मैंने बहुत ही इन्जॉय किया। यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं, ये एक भैया है ये भी बहुत दूर से आए हैं ये भैया, और ये सब तो मेरे कोलीग है स्कूल के। हम सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं ये मतलब कि ये क्रिसमस इसका क्रिसमस में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लोगों को मतलब इन लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, बाइबल का अच्छा अच्छा बात बोलते हैं जो हमको मालूम नहीं है, मगर मालूम चल गया अभी यहाँ से। तो इन लोग का प्रोग्राम भी है यहाँ पे, डांस भी है बहुत ही कुछ, मैं आपको दिखाते रहूँगी वीडियो में। आप प्लीज़ बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और मैं हमेशा बोलते रहती हूँ अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए। और ये मेरे जीजाजी है, ये मतलब ब्लैक ब्लैक शर्ट वाले थे, तो वो मेरे जीजाजी, ये रे जीजाजी। तो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी दिखाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करिए फॉर सेकंड पार्ट। ओके बाय बाय।